दोष्याम, मतलब मुनि सूरतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान के शरीर का वर्ण श्याम वर्ण, मतलब काले रंग के, और पद्म प्रभु भगवान और वासुपुज भगवान इनके शरीर का वर्ण लाल रंग का है, और सुपाशनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान इनका रंग हरे रंग का है, इनके शरीर का वर्ण हरा है, हरित मणि के समान है। अब फिर से सुन लीजिए, चंद्र प्रभु पुष्पदंत, तो अंक लिखिए 8 नंबर 9 नंबर, इनके शरीर का वर्ण कैसा है? सफेद है। जैसे मैं आपको पूछूंगी तो आपका वर्ण, मैं पूछूंगी भाई सुपाशनाथ और पारसनाथ जी का शरीर का वर्ण कौन सा है, तो आपको अंक लिखना है कि लाल रंग के का शरीर किस कौन से भगवान का है, तो उसमें आपको पद्म प्रभु वासुपूज भगवान, तो अंक बोलू तो आप नाम लिखना है, नाम बोलू तो आपको अंक लिखना है। इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिए, मुनिसुरत भगवान 20वें नंबर के और नेमिनाथ भगवान 22वें नंबर के, इनके शरीर का वर्ण श्याम है, इनको नील वर्ण भी बोलते हैं और काला रंग भी बोलते हैं, काला वर्ण भी, जिसमें श्याम वर्ण है। और पद्म प्रभु छठे पद्म प्रभु जी और छठा 6 और 6 दोनों 12 होते हैं, तो वासुपुज भगवान पद्म प्रभु भगवान वासुपुज भगवान 12वें वासुपुज जी का इनका रंग लाल है। और सुपाशनाथ 7वें नंबर के और पारसनाथ भगवान 23वें नंबर के, तो सुपाशनाथ का सु हटा दे तो उसमें पारसनाथ हो जाते हैं और पारसनाथ के सु लगा दे तो सुपाशनाथ हो जाते हैं। इस प्रकार 7 नंबर और 23 नंबर के तीर्थंकर का वर्ण शरीर का वर्ण जो है वो हरा रंग है, हरित मणि के समान है। ऐसी अलग अलग कलर की प्रतिमाओं के दर्शन रात में संजय पापड़ीवाल जी के दर पे जो चित्ताल है उसमें वो सब प्रतिमाओं 24 भगवान का वर्ण का दर्शन किया होता है। और आप लोगों ने जटवाड़ा में प्रतिमाओं के दर्शन करे होंगे, जटवाड़ा में ऊपर जो 24 ही है वो 24 ही खड़गासन में 24 भगवान 16 पूरे वर्ण के साथ में है, और जो बाकी 16 तीर्थंकर बचे हैं तो 16 तीर्थंकर का वर्ण पीला है, पीत वर्ण बोलते हैं, पीला है, सोने के समान पीला, जैसे आपका सोने का आभूषण होता है उसी प्रकार भगवान का शरीर पीत वर्ण के समान है। तो बाहर से भगवान के, इनका एक दोहा है मैंने लिखा था, इसके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दोहे आते हैं, लेकिन हमने अलग अपने भाव के अंदर इसमें लिख करके डाला है, अभी आपके पास में वो फाइल नहीं आई है, अभी फिर से आएगी। तो दो सफेद दो श्याम है, दो हरित दो लाल, 16 स्वर्ण समान है, वंदन उन्हें त्रिकाल। और कई कई पे आता, दो गोरे दो सांवरे, दो हरियन दो लाल, 16 स्वर्ण समान है, उनको करे प्रणाम। इस प्रकार का आता है दोहा दूसरे में, और ये दोहा मैंने दूसरा लिखा है कि दो सफेद दो श्याम है, दो हरित दो लाल, 16 स्वर्ण समान है, वंदन उन्हें त्रिकाल। तो 16 भगवान के शरीर का वर्ण कैसा है? पीला रंग है। अब आपको सबको समझ में आ गया ना, 5-6 सारी चीजें होगी इसके अंदर, बस इतने प्रश्न में मैं कल पूछूंगी और रात को भी पूछूंगी, प्रश्न मंच हुआ तो जरूर पूछूंगी, और नहीं हो पाया तो कल आपको क्लास के पहले शुरुआत में मैं रोज पूछती हूँ, ऐसे पूछूंगी। अब भगवान के कल्याणक, तीर्थंकर भगवान के कितने कल्याणक होते हैं? तो तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, इस प्रकार तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं जो सभी का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए भगवान के कल्याणक, जन्म तप के पीछे कल्याणक शब्द, गर्भ के पीछे कल्याणक, जन्म के पीछे कल्याण, तो ये कल्याणक शब्द जो लगा हुआ है वह शब्द ही प्राणी मात्र का, तीनों लोकों के जीवों का कल्याण करने वाले तीर्थंकर भगवान होते हैं, इसलिए उनका गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष पांचों ही कल्याणक सारे जीवों का कल्याण करने वाला होता है। और ऐसा कल्याण, ऐसे कल्याणक के दारी हमारे तीर्थंकर भगवान 24 ही होते हैं, बाकी अंत दूसरे केवली आदि हो तो उनके केवल ज्ञान मोक्ष केवल कल्याणक आदि मनाया जा सकता है, लेकिन पंच कल्याणक जो तीर्थंकरों के मनाए जाते हैं वैसे दूसरे के जितने भी मोक्षगामी अरंत सिद्ध होते हैं उनके बाकी के नहीं होते, वो विषय अपना कल आगे और आगे आएगा तो और आपको अच्छे से समझाने में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है अपना कि कौन से भगवान कहाँ से मोक्ष गए, ये भी प्रश्न है, आप लोग तो मेरे को नहीं पूछोगे लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको याद करके आना है कि कौन से भगवान कहाँ से मोक्ष गए। तब इसमें आप निर्वाण क्षेत्र जो जानते हैं कि जहां से भगवान कर्म काटकर मोक्ष जाते हैं
उस स्थान को मोक्ष स्थली कहते हैं, वो सिद्ध भूमि कहलाती है। किसी भी स्थान से जाओ, कोई भगवान किसी शहर से मोक्ष में गए हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हमारे मोक्ष में गए तो वो सब जंगल में बैठकर साधना करके ही मोक्ष में गए, किसी राजमहल से मोक्ष में नहीं गए और किसी नगर से मोक्ष में नहीं गए, बल्कि धरती से 5000 धनुष पर जब केवल ज्ञान होता है तो धरती से 5000 धनुष ऊपर चले जाते, उसके बाद में भगवान का मोक्ष होता है। तो जब भी मोक्ष होता है तो भगवान क्या मुनिराज भी जब साधना करने के लिए घर परिवार का त्याग कर देते हैं तो वे कहाँ रहते हैं, अधिकांश जंगल में रहते हैं, जंगल में ध्यान करते हैं, जंगल में साधना करते हैं। आहार करने के लिए आते हैं तो नगर में आ जाते हैं, नगर में भी रहते हैं लेकिन ज्यादातर जंगल में रहते हैं, क्योंकि जंगल का वातावरण बहुत शुद्ध प्रदूषण रहित रहता है, किसी का कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं रहता है, कोई आवाज नहीं रहती है, शांति रहती है एकदम। और शांत वातावरण में संयमी जन साधुगण अपनी साधना करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, और जहाँ गुरु ध्यान लगाते हैं कर्म नसाते हैं, कर्म काट कर मोक्ष जाते हैं, वही स्थान मोक्ष स्थान बन जाता है। तो सबसे ज्यादा तीर्थंकर भगवान हमारे कहाँ से मोक्ष गए हैं, तो सम्मे शिखर जी से। सबसे ज्यादा कहाँ से गए मोक्ष, सम्मे शिखर जी से। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं हमेशा शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं, और अयोध्या में सब भगवान का जन्म होता है, लेकिन यह हुंडाव सर्पणी काल का दोष है कि अलग अलग जगह भगवान का जन्म हुआ और कुछ कुछ भगवान अलग अलग स्थानों से भी मोक्ष गए हैं। तो मोक्ष के स्थान 4-5 हो गए, जैसे सम्मेय शिखर जी से 20 भगवान चले गए, अब वासुगुज भगवान चंपापुर से चले गए मोक्ष, अब उसके बाद नेमिनाथ भगवान है तो नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए, गिरनार जी से मोक्ष गए। अब महावीर भगवान है तो महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गए, पावापुरी से मोक्ष गए। इस प्रकार सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा पावापुरी कैलाश को, और प्रथम तीर्थंकर ही हमारे सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर स्वयं सम्मेद शिखर से मोक्ष नहीं गए, सम्मेद शिखर से मोक्ष नहीं पाया उन्होंने, कहाँ से मोक्ष गए भगवान आदिनाथ जी, तो आदिनाथ भगवान मोक्ष गए है अष्टापद कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं, तो ऐसे कैलाश पर्वत से मोक्ष जाने वाले आदिनाथ भगवान, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए आप लोगों के। तो भगवान जहां से मोक्ष जाते हैं वो स्थान पूज्य होता है, और उसके आप हर साल सम्मेय शिखर जी सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि वहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और वहां से दर्शन करते हैं। कोई पार्श्वनाथ भगवान प्रथम मोक्षगामी सम्मेय शिखर जी से सबसे पहले मोक्ष गए तो अजितनाथ भगवान गए, और अंतिम मोक्ष सबसे लास्ट में कौन मोक्ष गए तो पार्श्वनाथ भगवान, क्योंकि पहले वाले तीर्थंकर भी कैलाश पर्वत से चले गए, और जिनका अभी शासन चल रहा है किनका शासन चल रहा है, महावीर भगवान का शासन। तो महावीर भगवान सम्मेय शिखर से मोक्ष नहीं गए, वो चंपापुर पावापुर से मोक्ष चले गए, लेकिन ये सब जब आप संत शिखर जी की तरफ जाते हैं तो सारी तीर्थ वंदना एक साथ आपकी हो जाती है। और चंपापुर से जो वासुभुज भगवान गए तो 24 तीर्थंकर में एक ही भगवान ऐसे हुए जिनके पांचों कल्याणक एक स्थान पर ही हुए। अब आपको कल का एक प्रश्न और पूछती हूँ मैं कि इस वर्तमान काल की 24 के प्रथम तीर्थंकर कौन से हैं, उनका नाम बताओ। वर्तमान काल के चौथे काल में जो जिन्होंने जन्म लिया ऐसे भगवान का नाम बताओ। नहीं गलत है, वर्तमान काल के चतुर्थ काल में जन्म वाले जन्म लेने वाले भगवान का नाम, हाँ अब सही है, अजितनाथ भगवान, कल आपको बताया था अजितनाथ भगवान आपको। और तीसरे काल में जिन भगवान ने जन्म लिया था उनका नाम बताओ, कितने भगवान ने चौथे काल तीसरे काल में जन्म लिया था। हाँ अब पहला प्रश्न पूछ रही मैं, दूसरा प्रश्न पहले वाला हो गया, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान। और अपन अभी जिनका मैं जिनके पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर हुए ऐसे कितने तीर्थंकर है 24 में से, जिन 24 तीर्थंकरों में ऐसे कितने तीर्थंकर है
जिनके पांचों कल्याण एक ही स्थान पर हुए हैं, एक भगवान। तो एक भगवान में से कौन से भगवान, उनका नंबर लिखो, उनका नंबर ला लो, उनका अंक कौन से नंबर के भगवान है कि जिनके पांचों कल्याण एक स्थान पर हुए हैं। बहुत बढ़िया, 12 नंबर, 12वें भगवान वासुपूज्य जी। नमीनाथ भगवान कहां से मोक्ष गए? सिकर जी से। बहुत बढ़िया, गिरनार जी से नहीं, मैंने नमीनाथ जी पूछा, मेरे को मालूम था आप लोग कुछ सिकर जी लिखेंगे, कुछ गिरनार जी लिखेंगे, तो मैंने 21वें नमीनाथ भगवान के लिए पूछा है, नमीनाथ जी नहीं। एक में नमीनाथ है, 21वें नमीनाथ है और 22वें नेमीनाथ है। दोनों भगवान के नाम में एक मात्रा का अंतर है, एक में नमीनाथ है और एक में नेमीनाथ है। इनकी मात्रा इधर की इधर लगाना है आपको। तो 22 नंबर के भगवान कहां से मोक्ष गए? 22 नंबर के गिरनार जी से और 21 नंबर के तीर्थंकर सम्मेय शिखर जी से। ये सब पूरा ध्यान रखना, कल फिर से पूछूंगी आप लोगों को। अब अपन वक्तामर का पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर आज बहुत सारे प्रश्न आपको बता दिए मैंने, और आप लोग को इसमें से कुछ पूछना हो तो अपना प्रश्न आप बाद में लिख करके डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने जितनी सारे चीजें लिख दी आपको, कल आपको कलर पूछूंगी, कौन से भगवान का कौन सा वर्ण है, ये भी आपको याद करके आना है। और इसमें रिकॉर्डिंग हुआ है तो आप आराम से सुन लेना और नोट कर लेना। और भगवान के कल्याण कितने होते हैं वो भी पूछूंगी, कौन से भगवान कहाँ से मोक्ष गए, पांचों तीर्थंकरों के 24 भगवान के अलग अलग निर्वाण कल क्षेत्र को नाम पूछूंगी। अभी जन्म क्षेत्र के नहीं, क्योंकि निर्वाण क्षेत्र तो बहुत कम है, क्योंकि 16 भगवान 20 भगवान एक ही जगह से मोक्ष गए, वो तो आप बता पाएंगे। और जन्म स्थान की नगरियां बहुत सारी है, बहुत सारे भगवान ने अलग अलग जगह जन्म लिया है, एक ही जगह पे नहीं है, इसलिए उनके ज्यादा आएंगे। वो प्रश्न कल पूछेंगे अब आपको। आप निकालिए भक्तामर में से, आज कौन से नंबर का श्लोक पढ़ना है भक्तामर में से, जल्दी से अपना अंक डालिए, अंक लिख कर डालिए। कल अपन ने कौन सा पढ़ लिया, कौन सा पढ़ना है, मैं शुरू कर रही हूँ, जब तक आप अपना अंक डालिए कि आज कौन सा नंबर का श्लोक अपने को पढ़ना है। भक्तामर प्रणत मोलि मणि प्रवाणा उद्योतकम दलित पाप तमो विधानम सम्यक् प्रणम्य दिन पाद युगम युगादा बलम बनम भव जले पतिताम जनानाम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महान तुंगाचार्य गुरुदेव की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय, आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया, सभी ने 19 और 20 नंबर के अंक डाला है, मतलब आप लोग को सबको याद है, सब लोग अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ से। मैं उच्चारण करवा रही हूँ, आप लोग सभी उच्चारण कीजिए। किम सर्व ऋषु शशि नानी विवस बतावा युष्मन मुखेन्दु दलितेशु तमसुनाथ निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके कार्यम कियत जल धरेर जल भार नम्रे। अब बच्चन गाय गा करके बोलेंगे, आप सब भी मेरे बाद में गाएंगे, साथ में भी गाएंगे। किम सर्वरीषु सचिनानी विभस्वतावा किम सर्वरीषु सचिनानी विभस्वतावा युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमसुनाथ युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमसुनाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत जलधरेर जल भार नम्रे कार्यम कियत जलधरेर जल भार नम्रे। प्रश्न नंबर ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरि हरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु। अब किसी किसी की पुस्तक में यहाँ पर तेजस पुरण भी लिखा है और कहीं पे तेजो महामणिषु भी लिखा रहता है, तो दोनों भी सही है। जिसमें जो लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, तेजस पुरण भी पढ़ सकते हैं और तेजो महामणिषु भी बोल सकते हैं। तेजो महामणिषु या तेजस पुरण स्पुरणेषु इस प्रकार भी आता है, तो वो भी बोल सकते हैं। तेजो महामणिषु याति यथा महत्व नेवम तु काच सकले किरणाकुलेपि।
ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, एवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, एवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम्, तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम्, एवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि, एवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। अब फिर से अपन एक साथ में पूरे, क्या आवाज बंद हो गई? आवाज तो चालू है। सब फिर से 19 और 20 एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। के सर्वरीषु ससिनानि विभस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसुनात, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके, कार्यम किया जलधरेर्जलवारणम् रे। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्, एवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम्, एवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। श्री श्रीमान तुंगाचार्य उचित प्रकार आदिनाथ स्तोत्राय नमो नमः। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, महान तुंगाचार्य गुरुदेव की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय, आचार्य शक्ति नंदी गुरुदेव की जय। समय हो गया आज की सभा हमारी अपनी समाप्त होती है। पाठशाला का समय पूर्ण हुआ। अब हम सायंकाल की जो सभा गुरु भक्ति प्रभु की भक्ति चलती है उसके लिए हम गुरुदेव से निवेदन करते हैं और गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं। नमोकार मंत्र एक बार बोलेंगे और उसके पश्चात गुरुदेव नवग्रह स्तोत्र आदि प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो अरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोय सव साउणम, आई बो टू द अरिहंता, आई बो टू द श्री सीता, आई बो टू द आचार्य, आई बो टू द उपाध्याय, आई बो टू द आसेंटा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्ति नंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए आचार्य श्री गुप्ति नंद जी गुरुदेव की जय। करीब 90 बच्चों यहाँ पर स्वास्थ्य किया है, क्लास में पढ़ाई की है। माता जी को भी आशीर्वाद है और आपको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जी। प्रेरणा जी गुरुदेव को